तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं दोस्तों रिव्यू। आज गर्मियों का मौसम दोस्तों आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में मौसम में क्या होता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बार बार कट हो जाती है। तो हमें एक लंबा बैकअप देने वाला एक इन्वर्टर बैटरी चाहिए, जो कि हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों लीफास्ट का जो एक इन्वर्टर एक बैटरी है, इन्वर्टर बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी है दोस्तों। और मुझे यूज़ करते हो चुके हैं दोस्तों, तकरीबन तकरीबन 1 ईयर मुझे इसको हो चुके हैं यूज़ करते हुए। तो हम आज इसका रिव्यू आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीफास्ट मैक्सिमो की, जो कि हमें देखने को मिलती है 200 AH की। तो 200 AH की ये हमें देखने को मिलती है ट्यूबलर बैटरी, और इसमें 42 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाती है। ये धोनी साहब इसकी प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे ना पहले ही इंस्टॉलेशन था, मैंने क्या किया था कि वो जो पुरानी ट्यूबलर बैटरी थी उसको निकाल के मैंने अपने आप ही इंस्टॉलेशन इसकी कर दी थी। तो इसके साथ मैंने SF सोनिक का प्रीमा नाम करके इसका इनका एक UPS आता है, जो कि हमें 900 वॉट का मिलता है, जो कि इसके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अगर इनका लीफास्ट वालों का UPS लेंगे तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बट ये भी अच्छा है, ये हमें कॉपर का देखने को मिल जाता है, इसके साथ अच्छी एक परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट है। जब लाइट वगैरह कम ज़्यादा होती है, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है, तो इसमें हमें एक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है कि ये हमारी जो जितनी भी इसके साथ कनेक्टेड होती हैं, चाहे वो ट्यूब हो, चाहे वो LED हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसके साथ हमने इसको कनेक्शन दिया हुआ है, लाइट दी गई होती है, तो ये क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कम और ज़्यादा होती है तो ये पीछे से इलेक्ट्रिसिटी लेना बंद कर देता है, कट कर देता है, और आगे अपनी बैटरी ट्यूबलर बैटरी को पावर देता है, ताकि आपकी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो डैमेज ना हो जाएं। अब बात कर लेते हैं, डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब पे वीडियो देखने आ रहे हो, और वैसे ही मैं दोस्तों मैं भी यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हमें देखने को मिलेगी इन्वर्टर बैटरी में, ट्यूबलर बैटरी में। तो मुझे क्या करना था, मुझे अपना एक मेरे पास कंप्यूटर है, तो वो कंप्यूटर में मुझे उसको अटैच करना था, मतलब सारे घर में अटैच करना था, मतलब कि मेन पर्पस मेरा कंप्यूटर है। अभी वो अगर लाइट कट हो, अगर 10 घंटे का भी कट लगे, 12 घंटे का भी कट लगे, तो मुझे बैकअप अच्छा चाहिए, और मुझे ट्यूबलर बैटरी भी एक ही चाहिए, मुझे दो नहीं लगवानी। और मैं काफ़ी रिसर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो हमारे नियर अबाउट में हमारे शहर में मैं गया, मैं दो शॉप कीपरों से मिला, और मैंने फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो फिर मैं तीसरे से मिला, उन्होंने मुझसे बोला कि जो हमारी लूमिनस कंपनी को बनाने वाले जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने लूमिनस कंपनी की बैटरी बनाई वो, और जिन्होंने लीव गार्ड बनाई वो, और जिन्होंने अभी लीव फास्ट बनाई और वो, ये तीनों ही सेम बंदे हैं, और उन्होंने लूमिनस बना के छोड़ दी, लीव गार्ड बना के छोड़ दी। अब जो कंपनी जिस भी जिसके ऊपर अभी वो काम कर रहे हैं, जिसके अभी वो ही ओनर है, वो है लिव फास्ट। आप देख सकते हैं जो कंपनियां एक बंदे ने बना बना के छोड़ती, और जिस पे जो बंदा काम कर रहा है वो अच्छी होगी, जो बना के छोड़ी कि वो अच्छी होगी। हाँ, उनका नाम अच्छा है, लुमिनस लिव गार्ड चल रहे हैं, पर लिव फास्ट भी लुमिनस और लिव गार्ड बनाने वाले भाई ने ही लिव फास्ट को बनाया है, ये कंफर्म हुआ मुझसे, ये तीसरे शॉपकीपर ने मुझे ये बात बताई। ठीक है दोस्तों, उनके पास दोस्तों लुमिनस
लिव गार्ड, लिव फास्ट और दोस्तों हर एक प्रकार की कंपनी की उनके पास टू व्हीलर बैटरी थी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया आप ये लीजिए, इसके ज़रिए आपको 25% आपको एक एक्स्ट्रा बैकअप देखने को मिलेगा जो कि अदर बैटरी में देखने को नहीं मिलेगा। और इस बैटरी का, टू व्हीलर बैटरी का जो वजन है वो कंपैरिजन लुमिनस और लिव गार्ड के तहत इस बैटरी का जो वजन है वो ज़्यादा है और ये हैवी ड्यूटी है। और फिर मैंने अपना मन बना लिया और 42 मंथ की इसमें वारंटी देखने को मिलती है। फिर मैंने अपना मन बना लिया कि मैं यही लूँगा और मुझे पड़ी ये 16,500 रुपये की, वेरी टू वेरी कर सकता है, सिटी टू सिटी कर सकता है, ठीक है। मुझे 16,500 रुपये की पड़ी ये, 200 AH की मैंने ली थी। और फिर मैंने कहा कि इसके ऊपर मैं UPS कौन सा लगवाऊँ, ठीक है। UPS से ज़्यादातर दोस्तों लिव गार्ड का लेने जाए, लुमिनस का लेने जाए, जो कि आज के नई टेक्नोलॉजी के जितने भी दोस्तों UPS आ रहे हैं वो चिप बेस होते हैं, जिनमें एक प्रोसेसर वगैरह लगा होता है जो कि AI बेस्ड होते हैं और वो ज़्यादातर दोस्तों एल्यूमिनियम होते हैं, बताती कॉपर ही है, सारे कॉपर ही बताते हैं पर वो ज़्यादातर वो एल्यूमिनियम ही होते हैं। शॉपकीपर वाले भाई ने मुझे बताया कि ये SF सोनिक का मेरे पास UPS है, जो मैंने आपको प्रीमा करके दिखाया था 900, है ना, 900 वाट का। और उन्होंने बताया कि ये एक्साइड कंपनी जो SF सोनिक की, ये मतलब दोनों सेम ही है, मतलब कि ये ही एक्साइड ही इनको सामान वगैरह बना के देती है SF सोनिक को, इनकी इन्वर्टर बैटरी भी आती है। और उन्होंने बताया ये बेस्ट है, ये ले जाओ, आंख बंद करके ले जाओ, क्योंकि इसकी कोई भी शिकायत हमें देखने को नहीं मिलती। लिव गार्ड के जो इन्वर्टर हैं उनमें बहुत शिकायतें देखने को मिलती है, बैटरी डेड हो जा रही है, उनका जो UPS है वो ख़राब हो जा रहा है, वो एल्यूमिनियम भी आता है ना, काफ़ी सारी उन्होंने मुझे बताई दिखे थे कि उन्होंने बताया कि ये सब सोने के अच्छा है। और ये वाकई में अच्छा निकला, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है अपने स्मार्टनेस से कि जो हमारी मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे पहुंचाता नहीं है, अगर कम ज़्यादा होगी सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर बैटरी जितनी चार्ज हुई है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ही हमारी बल्ब ट्यूब और जितनी भी हमने इससे कनेक्ट की होगी उनको ये ट्यूबलर बैटरी से ही करंट वगैरह देता है। दोस्तों SF सोनिक जो मुझे UPS पड़ा था 5,000 का, लगभग दोस्तों 21,500 का मुझे ये पड़ा। और इंस्टॉलेशन पहले मेरे लगा हुआ था तो मैंने उसको निकाला और लगा दिया, सिंपल है दोस्तों, आप भी लगा सकते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और ये दोस्तों बेस्ट है, अगर आप लेना चाहते हो ना ये बेस्ट है। इसका बैकअप मैं आपको बता देता हूँ, ये 10 से 12 घंटे निकालता है अगर आप एक पंखा और एक कंप्यूटर वगैरह चलाते हो, ठीक है। मैंने लगातार 10 से 12 घंटे ये कंप्यूटर ने, ये इसने मेरा कंप्यूटर को चला के छोड़ा होता, स्ट्रीमिंग चल रही थी और चला के छोड़ा हुआ था और एक आधा पंखा चल रहा था, ठीक है। तो इसने 10 से 12 घंटे का बैकअप मुझे दिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, एक कंप्यूटर और एक पंखे से इसने 12 घंटे निकाल दिए। क्योंकि कंप्यूटर में हम बात करें तो उसमें मेरे लगा हुआ है 6050 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, जिसमें दो फ़ैन हैं और एक हमारे जो मदरबोर्ड में जो फ़ैन होता है, मदरबोर्ड का फ़ैन होता है, CPU का फ़ैन होता है, वो 3 फ़ैन हो गए, एक पावर सप्लाई का फ़ैन होता है 4, ये 4 फ़ैन उसमें लगे हुए हैं। अगर आपने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया तो सिर्फ 2 ही फ़ैन देखने को मिलेंगे, अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगाया है तो आपको 4 फ़ैन देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक अच्छा बिल्ड किया हुआ है, मतलब कि एक RGB लाइटें वगैरह लगाई हुई है, सामने वगैरह पंखे वगैरह, एग्जॉस्ट फ़ैन लगाए हुए हैं ना, एक एयर कूलर लगाया हुआ है, तो दोस्तों फ़ैन ज़्यादा हो जाएंगे। पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतने फ़ैन के तहत इसने 10 से 12 घंटे निकाल दिए, एक छत वाला पंखा चल रहा था। तो ये था दोस्तों रिव्यू। और
और अगर कोई बात है, अगर और कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझे लगभग 1 साल हो गया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरी तरफ से फुली रिकमेंड है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी दोस्तों पूछना है, हमें प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।